जय भोले की हर हर महादेव पम पम भोले। आज मैं आपको सुख सागर सातवें स्कंद का 12वां अध्याय सुना रही हूँ। सुनो हो परीक्षित भूप, अब आश्रम धर्म व्याख्यान। पंच तत्व मैं देह को तत्व लीन विज्ञान। सुनिए, नारद जी कहने लगे, हे धर्मराज, कलयुग में मनुष्य की आयु प्राय 100 वर्ष की होती है, जिसमें जन्म से लेकर 25 वर्ष पर्यंत की आयु तक मनुष्य को ब्रह्मचार्य आश्रम का प्रतिपालन करना चाहिए। हे राजन, विद्या अध्ययन करते हुए समस्त इंद्रियों को वश में रखे और स्वयं निर्भिमान और गुरु भवन में निरंतर ब्रह्मचार्य व्रत का धर्म सहित पालन करें। सदैव गुरु जी के चरण कमलों में दृढ़ प्रेम बनाए रखें और उनकी प्रत्येक आज्ञाओं का वेद मंत्रों के अनुसार प्रतिपालन करें। संध्या काल और प्रभात काल में अपने गुरु देव सूर्य अग्नि आदि देवताओं की वंदना एवं सेवा शुश्रूषा करें तथा दैनिक त्रिकाल संध्या उपासना कर्म करें। अनुचित मिथ्या भाषण त्याग कर एकांत में जाकर गायत्री मंत्र का जप विधि अनुसार करें। गुरु जी के बताए अनुसार अपना पाठ पूर्णतया याद करें और पठन के आदि अंत में अपना मस्तक गुरु जी के पदावृंदों में धर कर उनसे शुभ आशीर्वाद प्राप्त करें। धर्म शास्त्रों के नियमानुसार ज्ञानों उपवीत यानी जनेऊ, जटा सिर के लंबे केश, मेखला मूंज की तगड़ी, मृग चर्म हिरण की खाल, पीले वस्त्र यानी कपड़े, दंड डंडा कमंडलू कुरवा तुम्बी और अपने हाथों में दम्भो को धारण करें। फिर भिक्षावृत्ति द्वारा लाए हुए अनादि को नित्य ही गुरु जी को लाकर समर्पण कर दें। उनकी आज्ञा अनुसार आहार विहार आदि करें, नहीं तो अनशन व्रत पालन करता हुआ शील वृत्ति धारण किए रखें, अल्पाहार करें और क्रोधाग्नि को अपने समीप न आने दें। अपने पठन कार्य में चतुर बना रहे। स्त्रियों का ध्यान एवं उनके चित्रों का अवलोकन तक न करें, जिससे कि मन में काम वासना जागृत हो। स्त्रियों के अनुयायी एवं आधीन जो मनुष्य हैं, उनसे विशेष कोई व्यवहार न रखे और न स्त्रियों का गुप्त वार्तालाप ही उनके मुख से सुने। शोर एवं सुगंधित तेल आदि का मर्दन न करें और न नेत्रों में काजल सुरमा आदि लगावे और न फूलों का हार ही धारण करें। सूर्य उदय से पहले उठकर प्रथम अपना दैनिक कृत्य करें और दिन भर में एक बार ही आहार करें, जिससे आलस्य उत्पन्न न हो। निद्रा के साथ साथ वासनाओं को भी स्वाधीन करें। गुरु पत्नी आदि युवा अवस्था में हो तो उनसे दूर ही रहता हुआ उनका अनुशासन पालन करें। कारण कि मन चंचल है और शीघ्र ही थोड़ी ही सहायता से चलायमान हो जाता है। ही राजन, घी के घड़े के समान स्त्री होती है और जलती अग्नि के सदृश पुरुष होता है। अतः ज्ञानी मनुष्य घी तथा अग्नि को कदापि समीपवर्ती नहीं होने देते। एकांत में गुरु पत्नी तथा बहन कन्या आदि से शुद्ध वार्तालाप करना ही ब्रह्मचारी को पात की बनाना सिद्ध है। समस्त स्त्रियों को अपनी माता के समान समझें तथा दूसरे के द्रव्य वैभव आदि को मिट्टी के ठेले के समान समझें तथा
सब प्राणियों में एक सच्चिदानंद पर ब्राह्मण का ज्ञान चक्षु द्वारा निरीक्षण करें। यही तत्वदर्शियों ने मुख्य मार्ग बताया है। ब्रह्मचारियों को अपनी निंद्रा श्वानोत्तव रखनी चाहिए और पठन पाठन में अपना ध्यान बुगला के समान रखना चाहिए। सर्वदा अपने गुरु के बताए हुए पाठ की स्मरण शक्ति कौवा के समान रखनी चाहिए। ये ही समस्त ब्रह्मचारियों के नियम और धर्म है। हे राजन, अब आप गृहस्थियों के नियम सुनिए। यह गृहस्थ आश्रम धर्म 25 वर्ष की आयु से लेकर अपनी 50 वर्ष की आयु पर्यंत पालन किया जाता है। इसमें पूर्व पालन किया गया ब्रह्मचार्य तत्व व्रत त्याग दिया जाता है और मनुष्य पुनः अपने पिता की आज्ञा अनुसार अपने घर पर योग किसी कन्या से अपना विवाह संस्कार कर लेता है और एक पत्नी व्रत धारण करता हुआ लौकिक पर पंचजाल में फंस जाता है। पहली शिक्षा जो गुरु मुख से वेद उपनिषदों की प्राप्त की है, उनका त्याग न करते हुए उनके अनुसार बर्ताव करता रहे। अपनी स्त्री के साथ जबकि वह मसांत में ऋतुमती होवे, उससे चतुर्थ दिन में ही केवल एक बार सहवास करे, जिससे सुपुत्र की उत्पत्ति हो और पिंडोदक क्रिया लुप्त न होवे। विवाह काल पर कहे गए अपने अपने प्रतिज्ञा वचन दोनों स्त्री पुरुष को परस्पर पालन करना चाहिए, जिसके की उस समय अग्नि देव साक्षी हो चुके हैं। इस आश्रम में अतिथि सत्कार, विप्र पूजा, यज्ञ कर्म, उपासना आदि सभी संपादन किए जाते हैं। अतः यह आश्रम सर्व आश्रमों परि माना जाता है। इसमें यज्ञों द्वारा देवताओं तथा विप्रों को संतुष्ट करना चाहिए, धन को पाकर धर्माचरण करना चाहिए, दान देते हुए माने पाना चाहिए। हे राजन, जब समर्थवान अपना पुत्र हो जाए तो आप स्वयं अंत में घर का समस्त वैभव भार उनको समर्पण कर विरक्त भाव होकर ईश्वर में दृष्टि चित लगाते हुए सबका मोह त्याग दें और फिर घर बार को छोड़कर दोनों स्त्री पुरुष एकांत वन में निकल जाएं। बस यही तक गृहस्थ आश्रम का पालन किया जाता है और इनके अनंतर मनुष्य को वानप्रस्थ आश्रम धर्म धारण कर लेना चाहिए, जो वह भी 25 साल तक का नियमित है। हे राजन, इस वानप्रस्थ आश्रम में घर बार की तो कोई चिंता रहती ही नहीं, कारण कि उस भार को तो उस समय अपना पुत्र संभाल ही रहा है, क्योंकि प्रथम वह भी गुरु से ब्रह्मचारी व्रत पालन करता हुआ विद्या धन प्राप्त कर चुका है। अब रही इस आश्रम में भोजन आदि की चिंता, सो अब आप ऋषि मुनियों के मतानुसार वानप्रस्थ आश्रम में भी नियम सुनिए। हे राजन, वानप्रस्थी महानुभावों को चाहिए कि ऐसे अन्न आदि न खाएं जो कि जोती हुई पृथ्वी से उत्पन्न हुए हो, केवल वन में स्वयं ही अनायास उत्पन्न हुए वृक्षों के सुपक्के फल ही उनके लिए भोज्य है और बिना जोत हुआ अन्न भी यदि असमय में पक चुका हो तो वह भी त्याज्य है। अग्नि से पर पकाऊ हुआ तथा कच्चा गोंधुमान अन्न भी त्याज्य माना जाता है। केवल सूर्य नारायण की गर्मी से पके हुए कंद मूल फल आदि ही
उनके लिए सेवनीय बताए गए हैं। वनों में वह धन्य जो अपने आप भूमि से पैदा हुए हो, उन्हीं से दैनिक हवन के लिए चरु एवं पुरोडास बनावे। नवीन फल फूलादि मिलने पर पहला संचित अन्न त्याग दे। पर्वतीय गुफाओं पर्ण कुटियों आदि में अग्निहोत्र करें, जिससे अग्नि सुरक्षित बनी रहे। शरीर पर शीत ओषण वर्षा वायु आदि को सहन करता हुआ केस नख दाढ़ी मूछ आदि न कटवावे तथा मैल भी देह से पृथक न करे। पत्नी सहित बल कल वसन धारण करता हुआ मृग छाला दंड कमंडलू तथा अग्निहोत्र वस्तुओं को सदा अपने पास रखे। यदि विशेष समय तक वानप्रस्थ आश्रम धर्म पालन न कर सके तो वह 12, 8, 4, 2 अथवा 1 वर्ष तक का नियम पूर्णतः अवश्य पालन करें। इस बात को अवश्य विचारता रहे कि कहीं विशेष हरि तप का कष्ट सहने से चैतन्य बुद्धि का परिवर्तन या बिगाड़ न हो जाए और सब किया हुआ व्रत हो जाए। परमात्मा में अन्य भक्ति रखनी चाहिए। ईश्वर आराधना ही संसार में मुख्य सार है। हे राजन, इस प्रकार वानप्रस्थ आश्रम धर्म के नियम पालन करने से मनुष्य अनायास महलोक को प्राप्त कर लेता है, जहाँ की ऋषि मुनि गमन किया करते हैं। यदि मनुष्य विशेष वृद्धावस्था के कारण तथा शारीरिक रोग के कारण इस आश्रम धर्म का पूर्ण पालन न कर सके तो उसे आहार का त्याग कर देना चाहिए और अहंकार त्याग कर ईश्वर में लीन होते हुए इंद्रिय वासनाओं को जीत लेना चाहिए। हे राजन, तदंतर अंतिम चौथा आश्रम सन्यास है, जिसमें यदि स्त्री जीवित हो तो उसे त्याग दे और अकेला कहीं सघन वन में निकल जाए। इस आश्रम धर्म में सर्व त्याग ही है और वेदना उपनिषदों का मनन आदि करें। उपस्थित सज्जनों को ज्ञान शिक्षा देता हुआ उनको भी जीवन मुक्त करें। श्री योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की भक्ति धारा में निरंतर गोता लगाता रहे। यहाँ और कोई भी किसी प्रकार की वासना न रखनी चाहिए। संन्यास धर्म के नियमों का पालन करता हुआ अंत में ईश्वर को अपना ही स्वरूप समझे। किसी में भेदभाव न रखे। मैं, तू, मेरा, तेरा आदि भावना सर्वनाश की जड़ है, अतः इससे दूर रहे। पुनः प्राणायाम द्वारा प्राणों को ब्रह्मांड में चढ़ाकर पंच तत्वात्मक शरीर को पांचों तत्वों में पृथक पृथक मिला देवे। जैसे कि शरीर छिद्रों की पोल को आकाश में, पहला प्राण वायु को पवन में, दूसरा शारीरिक पैतृक गर्मी को अग्नि में, तीसरा रुधिर कफ पीव आदि जलीय तत्व को जल में, चौथा तथा हड्डी आदि दृढ़ वस्तुओं को भूमि तत्व में, पांचवा मिलावे। नारद जी बोले, हे राजा युधिष्ठर, इसी प्रकार छठा वाणी का कर्म जो भाषण है उसे अग्नि में, अगला हाथ का कर्म जो कला कौशल है उसे इंद्र में, अगला पांव का कर्म जो गति है उसे विष्णु में, अगला लिंग इंद्रियों का कर्म जेवर या आदि श्राव करना है उसे प्रजापति में, तथा अगला गुदा का कर्म जो मल त्यागना आदि
है उसे मृत्यु में मिला देवे। हे राजन, इसी प्रकार अगला नेत्रों का कर्म जो रूप ज्ञान है उनको ज्योति में मिलावे। अगला कानों का कर्म जो श्रवण ज्ञान करना है उसको दिशाओं में मिलावे। अगला नासिका का कर्म जो गंध ज्ञान करना है उसको पृथ्वी में मिलावे। अगला शिव्या का कर्म जो रस ज्ञान करना है उनको जल में मिलावे। अगला चमड़ी का कर्म जो स्पर्श द्वारा शीतोष्ण का ज्ञान करना है उनको वायु में मिलावे। हे युधिष्ठिर, इस प्रकार सबो पृथक पृथक मिला देवे। पुण्य गुण और कर्मों के सहित मन को चंद्रमा में, बुद्धि को ब्रह्मा में, अभिमान को भगवान रुद्र में, चित्त को श्वेता यानी जीव में और चैतन्य जीव को पर ब्रह्मा में सम्मिलित करें और परस्पर भूमि तत्व को जल में, जल तत्व को अग्नि में, अग्नि तत्व को पवन में, पवन तत्व को गगन में और गगन तत्व को अहंकार में, अहंकार को महत्व में, महत्व को अव्यक्त में और फिर अव्यक्त को अनंत पर ब्रह्म में लीन कर देवे। हे राजन, इस प्रकार सारो सौ ही सच्चिदानंद रूप में लय हो जावे। यह अटल सिद्धांत मैंने तुम्हें कह सुनाया। अब यति धर्म का निरूपण सुनी। 12वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की 13वां अध्याय। यह आप दूसरी वीडियो में सुने। पूरी सुख सागर सुनने के लिए यह चैनल सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में जय भोले की लिखे। जय भोले बोलिए। ओम नमः भगवते वासुदेवाय। जय भोले की हर हर महादेव। बम बम भोले। जय भोले की।